कैसी ऑनलाइन स्टडी? प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? इसकी पहली कक्षाओं में हमने कक्षा 11 गणित का शुरुआत किया था अजय कुमार अग्रवाल की बुक से। इसमें पहला चैप्टर हमने समुच्चय शुरू किया हुआ है। समुच्चय के बारे में हमने बताया, समुच्चय को कितनी विधियों से लिखा जाता है उसको भी हमने बताया, उस पर एक्सरसाइज 1.1 भी कराया। आज हम लोग समुच्चय के प्रकार के बारे में, विभिन्न प्रकार के होते हैं सेट, टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार में पहला प्रकार आप लोगों का है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक है, इसको कहते हैं नल सेट। नल सेट मतलब होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या है यह जानेंगे हम। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को हम मंझले कोष्ठक, मंझले कोष्ठक यही इसका प्रतीक है, अथवा ठीक अच्छा थाई से प्रतीक करते हैं। किसी असंभव कोण द्वारा परिभाषित समुच्चय भी रिक्त समुच्चय होता है, ठीक, यानी रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है, ठीक है। इसके बाद एक विकल्पम दे रहे हैं, चार से बड़ी तथा दो, चार से बड़ी दो से छोटी संख्याओं का समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। चार से बड़ी और दो से छोटी संख्याओं का समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है। दूसरा एग्जांपल है x दैट x इज नॉट इक्वल टू x, एक रिक्त समुच्चय, इसमें भी कोई अवयव नहीं होगा। तीसरा है x दैट x स्क्वायर बराबर 4, जहां x एक विषम संख्या है, क्योंकि अब यहां देखेंगे x स्क्वायर बराबर 4 तो यहां x का मान क्या निकलेगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा और क्या होगा, सम संख्या होगा। x क्या होगा, यह सम संख्या होगा, मतलब कि हमने बता रहा है हम कि विषम संख्या है, इसमें भी कोई अवयव नहीं हुई तो सब क्या हो गए, रिक्त समुच्चय हो गए। रिक्त समुच्चय की ऐसी एक परिभाषा है जिसमें कोई अवयव न हो। इसके बाद हम देखते हैं यह नौ सेट हो गया। इसके बाद आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय में क्या होता है, सिंगल कंसेप्ट करते हैं इसको, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। एक अवयव जिसमें हो एकल कहलाता है। इसको देखिए समुच्चय निर्माण नीति हमने लिखा हुआ है कहलाता है।
जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्या है? 25 अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, ठीक है? पांचाई होते हैं, वावे रहो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, कुल 26 अक्षर होते हैं। ए बी सी डी, ये क्या होता है? ये लगाए ए बी सी डी डाटा जेड तक कह जाता है, यानी 26, इसको आप गिन सकते हैं, ठीक है? ये बीच में भी ये किया जाता है कि भारत का मंत्रियों का समुच्चय, भारत के मंत्रियों का समुच्चय, ये सब गिना जा सकता है। इनके अवयव संख्या गिनी जा सकता है, वो क्या है? परिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक है? उसको परिमित समुच्चय कहते हैं जिनके अवयव संख्या हम गिन सके। इसके बाद आता है क्या? भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय, भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय, यह पहली समुच्चय है, ठीक है? दो से बड़ी, 100 से छोटी सब संख्याओं का समुच्चय है, यह भी क्या है? एक पहली समुच्चय है, क्योंकि दो से बड़ी और 100 से छोटी जो सब संख्याएं हैं उनको आप क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 सब क्या करेंगे? आप गिन सकते हैं, वो भी एक क्या है? परिमित समुच्चय है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय। क्या पढ़ेंगे? अपरिमित समुच्चय और परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिनके अवयव की संख्या गिनी न जा सके और परिमित समुच्चय कहलाता है। जिनके अवयव संख्या गिनी न जा सके वो क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे इसमें आ जाइए, इसमें गिनी जा सके, इसमें न गिनी जा सके, तो कोई भी जो ऐसा नहीं, ऐसा जो एग्जांपल लेंगे जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, गिनी न जा सके, वो क्या आपको कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अपरिमित समुच्चय मतलब नक्षत्र, नक्षत्र जो है, ग्रह जो है, नक्षत्रों का समुच्चय, ठीक है? भारत के नक्षत्रों का समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। बस इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयव की संख्या गिनी जा सके अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो उसमें अपरिमित मतलब उसमें तारे आएंगे, आकाश में जो तारे हैं उसको हम गिन नहीं सकते हैं। लोग बताते हैं कि 3000 तारे हैं, अनंत तक हो जाते हैं, तो कोई इसकी गणना नहीं की जा सकती है कि कितने तारे हैं। तो अभी क्या होगा? वो अभी किस में आएगा? अपरिमित समुच्चय में आएगा, ठीक है? तारे अपरिमित समुच्चय में आएगा। ग्रह जो है ग्रह को हम गिन सकते हैं, ग्रह ग्रह हमारे ठीक है? तो उसमें जो तारे आएंगे, आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं वो सब क्या है? आकाश में जो तारे हैं वो अपरिमित समुच्चय में आते हैं। विषम संख्याओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय में रहेगा। धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय वो क्या होगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। विषम संख्याओं का समुच्चय वो क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। जेड प्लस जो है क्या है? जेड माइनस जो है सब क्या है? ये सब अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि अनंत तक जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा समुच्चय है जो जिनकी गिनती न हो सके वह अपरिमित, अजिनकी गिनती हो सके वह परिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक है? इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे संपूर्ण समुच्चय। संपूर्ण समुच्चय परिमित गिना जा सके और अपरिमित गिना जा सके, तो आकाश जो तारे दिखाई देते हैं वह क्या है? अपरिमित समुच्चय है। सब संख्याओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। सब संख्याओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। धन संख्याओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। ये सब क्या है? अपरिमित समुच्चय है।
इसके बाद आता है संपूर्ण समुच्चय। ठीक है, संतुल समुच्चय क्या होता है यह जानिए। संतुल समुच्चय में इसमें सम माने बराबर और तुल्य माने बराबर, जिनकी तुलना में बराबर हो, यदि बराबर नंबर आते एलिमेंट दोनों के क्या हो बराबर हो, यानी बी। इसका मतलब दो ऐसे समुच्चय दिए हुए हो जिनके अवयव बराबर हो, ऐसे ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयव क्या हो बराबर हो, क्या कहलाते हैं समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यानी कि ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान हो, क्या कहते हैं संतुल समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट हो गए। बी बराबर दिया हुआ है 4 5 6, यहां से नंबर आ ए इक्वल टू नंबर आ बी, ये क्या हो गया बराबर हो गया, ये क्या हो गया बराबर हो गया, ये क्या हो समुच्चय हो गया संतुल समुच्चय हो गया, एन ए बराबर एन बी। और सम समुच्चय, सम समुच्चय इसके बाद आता है सम या समान समुच्चय। देखिए इसमें तो आप पहले क्या पढ़े संतुल्य में ऐसे तो समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान हो तो क्या कहलाता है संपूर्ण समुच्चय कहलाता है। लेकिन सम समुच्चय में क्या पढ़ेंगे दो समुच्चय ए और बी समान होंगे, तो क्योंकि ये ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में, दो समुच्चय ए और बी समान होंगे यदि और केवल यदि जब ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा और बी का प्रत्येक अवयव ए में होगा। दो समुच्चय ए और बी समान होगा यदि और केवल यदि कब, जब ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में होगा। ठीक है, यानी ए बराबर अगर दिया है क्या 4 5 6 7, ठीक है ए केवल 4 5 6 7 है, तो बी के अवयव 5 4 7 6 है, तो यहां से ए बराबर हो जाएगा बी। सब समुच्चय या समान समुच्चय हो गया। ठीक है, यहां देखिए जो इसमें देखिए कि अवयव 4 5 6 7 है, इसमें बी के अवयव 5 4 6 7 है, सभी एक सभी कितने एलिमेंट है और बी कितने हैं, तो क्या हो गया सब समुच्चय या समान समुच्चय हो गया। ठीक है, आज हमने आपको समुच्चय के प्रकार में क्या क्या बताया, परिमित समुच्चय बताया, परिमित समुच्चय सारी पहला समुच्चय मैंने बताया, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो क्या कहलाता है रिक्त समुच्चय कहलाता है, जिसमें कोई भी अवयव हो। ठीक, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया है आपको, कई एग्जाम्पल हमने दिया है रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव न हो, एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझाया है। पहला एग्जाम्पल हमने दिया था क्या x x स्क्वायर बराबर 4 1, x एक क्या है x एक विषम संख्या है, क्या है इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा क्योंकि x यहां सम संख्या मिलेगा, अतः इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और हमने बताया रिक्त समुच्चय को किससे प्रतिनिधित्व करते हैं, गिरी का अक्षर खाई से या मंझोले कोष्ठक से, उसमें कोई अवयव नहीं लेकर रहता है, खाली मंझोला कोष्ठक लेते हैं। उसके बाद हमने बताया एक समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव है, वह एक समुच्चय कहलाता है। जैसे जो महिला प्रधान महिला राष्ट्रपति हुई है, भारत के महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय क्या कहलाता है, एक समुच्चय कहलाता है, क्योंकि अभी तक एक महिला राष्ट्रपति पद का देती थी पार्टी। ठीक, उसके बाद हमने बताया परिमित और अपरिमित, परिमित मतलब जिसे गिना जा सके और अपरिमित मतलब जिसकी गिनती न की जा सके, जैसे आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं उनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, धनपूर्ण संख्याओं का समुच्चय, यह सब क्या है अपरिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय,
अंग्रेजी पर वहां अपने अक्षर होते हैं, काबल और कांसे ने 26 अक्षर होते हैं, उसकी गिनती करते हैं। दो से बड़ी 50 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय, तीन से बड़ी ठीक है एक के आगे से छोटी ये सब संख्याओं का समुच्चय, इसको सम गिनती करते हैं, वो पर भी समुच्चय कराता है। उसके बाद हमने बताया समतुल्य समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान हो या n बराबर या b यानी नंबर आकर इवन ग्रुप में समान हो तो क्या कहलाता है समतुल्य समतुल्य समुच्चय, सम समुच्चय समान समुच्चय। इसका मतलब दो समुच्चय ये और भी समान होंगे या जो जो ये जब ए का प्रत्येक अवयव बी में था बी का प्रत्येक अवयव ए में होगा। वह हमने आपको समुच्चय के छह प्रकार भी हमने बताया है, इसको आप लोग नोट करें और याद भी करें। नेक्स्ट अगले टॉपिक हम आपको बताएंगे। थैंक्स।